स्वागतम 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 ओम शांति ओम शांति रमेश भाई स्वागतम 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 बहुत बहुत बड़ौदा कारेली बाग परिवार आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे साथियों, देखिए जिनको देखने के लिए, जिनको मिलने के लिए दुनिया दौड़ती है, ऐसे ये फिल्मी सितारे जिनके पीछे जहां पागल है, ऐसी हमारी मीठी प्यारी मोनिका बहन आज हमारे साथ है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी होती है कि एक फिल्मी सितारे सितारा होने के साथ साथ ये शिव बाबा का भी और लाडला सितारा है, अर्थात वो शिव बाबा की बच्ची भी है। रेगुलर ब्रह्मा कुमारी स्टूडेंट है आप, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता मैं कहूंगा। और फिल्मी सितारा वाली बात में दूसरी विशेषता में लूंगा मोनिका बहन। पहली विशेषता आपकी ये है कि आपने भगवान को पहचान लिया है, यही तो सबसे बड़ी बात होती है। और बाकी बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारी टीवी सीरियल्स में आपने काम किया है, लापता गंज और CID, चिड़ियाघर, मुझे सारे नाम नहीं आते हैं मोनिका बहन, माफ करना, और बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, तो वो तो आप ही बाद में आपके अनुभव में भले बता देना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जैन भाई भी सभा में हाजिर है। डॉक्टर साहब आप भी स्वागत करें, हमारी मोनिका बहन मुंबई से है, आप स्वागत करें डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने डायरेक्टर ढूंढा, लेकिन बड़ा डायरेक्टर जो है शिव बाबा उसको आपने ढूंढ लिया, उसने भी आपको ढूंढ लिया, और हम सब ने भी, हमारे मिनेश भाई ने भी आपको ढूंढ लिया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आपको सुन के और ही हमारी खुशी बढ़ेगी, फिर आपकी अच्छी पहचान उसी से होगी, क्योंकि इतना जीवन जो बदला है आपने जी। आज ऐसा अट्रैक्शन है उस दुनिया का, जिसमें रहकर भी आपने अपने जीवन को समझा है, भगवान को समझा है, ये एक विशेष बात है, इसीलिए हम सब भी बहुत बहुत खुश है और आपको वेलकम करते हैं सबकी ओर से, हमारे सारे क्लास और टोटल फिर तो वर्ल्ड आपको स्वागत करेंगी। तो सब हाथ खड़ा करके हमारे प्यारे मोनिका बहन को धन्यवाद दीजिए और वेलकम कीजिए। और साथ साथ डॉक्टर साहब मोनिका बहन जी के साथ साथ मुंबई से और भी कई आत्माएं इस सभा में जुड़ी हुई है, कई भाई बहन है, उन सभी का नाम सहित बहुत बहुत स्वागत है। और मोनिका बहन, हमारे आदरणीय डॉक्टर जैन भाई का परिचय कराना वास्तव में मैं भूल गया, तो हमारे डॉक्टर साहब जो है वो 1968 से बाबा के ज्ञान में है, साकार ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए है। और इससे भी एक अच्छी आपको लगने वाली बात कहूं, साकार ब्रह्मा बाबा की श्रीमत के आधार से आपने गांधर्व विवाह किया है, साकार बाबा ने करवाया समझो, तो बाबा की मत से आपने गांधर्व विवाह किया, तो ब्रह्मचारी जो बाल ब्रह्मचारी युगल है भारत में थोड़े से, उसमें से आप एक है, जैसे रमेश भाई उषा बहन, तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन है, और जो हमारी मेडिकल विंग है, मेडिकल विंग के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग की, और बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं फिर बताने जाऊंगा तो आपका अनुभव रह जाएगा। तो सार रूप में आपका अनुभव ये है, और फिर भी गुजरात का एकमात्र सेवा केंद्र है जो युगल के द्वारा चलता है, तो ऐसा एक जो सेवा केंद्र है उसी बगिया में आज हमारे मोनिका बहन की फूल भी खिला हुआ है, तो खुशबू और बढ़ गई है इस बगिया की। आप ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहूंगा आप आपका अनुभव शुरू करें मोनिका बहन जी। ओम शांति। आप सभी का, जितने भी जो है यहाँ पर, जो जितने भी जो महारथी जो उपस्थित हैं इस सभा के अंदर, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के समक्ष जो है अपना अनुभव जो है इस यज्ञ से जुड़कर जो है, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे 10 साल हो गए हैं, और ये 10 साल भी ऐसा लगता है कि 10 दिन के बराबर है। मुझे बहुत पहले यज्ञ के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन हर आत्मा का जो है इस
सृष्टि रूपी वर्ल्ड ड्रामा के अंदर जो है हर आत्मा का जो पाठ जो है वो निश्चित है। तो मेरा भी जो है इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर जो मेरा जो रोल है वो बहुत ही वंडरफुल है, और मुझे सबसे ज्यादा अपने आप को जो है ब्रह्मा कुमारी कहलाने में जो है इतना गर्व महसूस होता है। और मेरी ये जो बाबा का जो बैच है ये मेरी पहचान है, ये मेरा प्राउड है, ये मेरा गर्व है। तो सबसे पहले चाहे मैं अपनी शूटिंग के लिए जाती हूँ या मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ या मैं अगर घर में भी रहती हूँ तो ये बैच कभी भी जो है मेरे से उतरता नहीं है। मैं हमेशा जो है इस बैच को अपने सीने से लगा के रखती हूँ क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि मैं इस एक जो है विशेष जो है ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा परिवार है। और जो है उस परम पिता जो है परम कलाकार जो है परम पिता परमात्मा जो है उसने मुझे ढूंढा, उसने मुझे चुना और उसने मुझे अपना बच्चा बनाया। अनगिनत अनुभव है कि इस ड्रामा में जब मैं आई तो एक कहां से शुरुआत करूं, तो चलिए मैं थोड़ा सा जो है अपना जो है भक्ति मार्ग से जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा परिचय करवाती हूँ। तो जब मैं भक्ति मार्ग में थी तो मैं बचपन से ही शिव की भक्त थी। तो जैसे मैं रामायण का भी पाठ करती थी और मैं गीता भी पढ़ती थी। तो उसके अंदर जो है लिखा होता था एक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्यानम सृजामहम, कि भी जब जब जो है इस धरती के ऊपर पाप बढ़ेगा तब तब जो है मैं अति साधारण जो है मनुष्य वेश में जो है इस धरती पर मैं अवतरित होऊंगा और कोटों में कोई और कोई में जो कोई होगा वही मुझे पहचानेगा। तो जब मैं ये पढ़ती थी, हमेशा मैं जब ये पढ़ती थी तो मुझे बड़ा टेंशन हो जाता था कि अगर भगवान तुम आओगे तो मैं आपको कैसे पहचानूंगी। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप आओगे और मतलब जो है मैं अगर आपको नहीं पहचान पाई तो, और अगर आप चले गए तो मैं बहुत टेंशन में रहती। तो मेरा भक्ति का आलम ऐसा था कि भगवान को ढूंढने की मेरे अंदर इतनी तीव्र इच्छा थी कि अगर जैसे वो पढ़ा था कि मैं अति साधारण मनुष्य वेश में आता हूँ तो मैं जैसे कहीं पर जैसे मैं अगर मैं मंदिर में जाती थी या अगर जैसे मैं शिरडी में जो भक्ति मार्ग में मैंने काफी बार जो है शिरडी भी मैंने विजिट किया है, तो जब मैं किसी ऐसे गरीब इंसान को देखती थी या किसी मैं भिखारी को देखती थी तो मेरे मन में लगता था कि कहीं ये भगवान तो नहीं है, या घर के द्वार पर अगर कोई भिखारी आ गया तो मुझे लगता था कहीं ये भगवान तो नहीं है। तो मतलब मेरा आलम ऐसा था कि मुझे हर गरीब इंसान के अंदर जो ना वो भगवान दिखाई देता था। मुझे लगता था कि कहीं अगर वो आया और अगर वो मतलब अगर चला गया तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं रात दिन बहुत टेंशन में रहती। तो ये तो हुई मेरी भक्ति मार्ग की बातें। और अक्सर जब मैं भक्ति मार्ग में थी तो मैं जो है सोमवार का व्रत रखती थी और जो सावन महीना आता था वो भी मैं जो है अक्सर रखा करती थी। तो मुझे सपनों के अंदर जो है बहुत अक्सर जो है मेरे को शिवलिंग दिखाई देते, हर दूसरे तीसरे दिन जो है मुझे शिवलिंग दिखाई देते थे। तो जब ये भक्ति चली रही थी मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। शिवरात्रि का दिन था और मैं शिव मंदिर में जब गई, व्रत रखा हुआ था मैंने, और जब मैंने बाबा को जो है जल अर्पण किया और जब मैंने माथा टेका और मेरे आंखों से जो है वो आंसू निकल, मैंने कहा कि बताना मैं क्या करूं, मैं ऐसी कौन सी चीज करूं कि अब तो मुझे मिल जाए, अब मैं थक चुकी हूं, अब तो तुम मुझे मिल जा। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी आंखों में से आंसू निकला तो शिवलिंग के। और वही दिन था शायद कि मेरा जो है पांव जो है मतलब जो है ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो है मतलब मेरे जो चरण जो है वहां पर पड़े। तो किसी ने मुझे कहा कि भी माउंट आबू जाना है तो क्या आप चलोगी। तो तब मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था मुझे कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे कुछ भी इस बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं था। तो मैं तो जो है मैंने बोला हाँ हाँ चलो क्यों नहीं, माउंट आबू अच्छी जगह है, हिल स्टेशन है, तो क्यों नहीं वहां पर जाकर जो है थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और आ जाएंगे। तो मैं तो जो है माउंट आबू जो है ज्ञान सरोवर जो है आर्ट एंड कल्चर विंग में घूमने के इरादे से आई। तो मुझे क्या पता था कि वो जो परम कलाकार है वो मुझे इस तरह से पकड़ लेगा। तो जब वहां पर हम आर्ट एंड कल्चर विंग में गए तो
सब कुछ नया नया था, पूरा माहौल एकदम बदला हुआ था, लोग बहुत खुश थे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी कहीं पर भी, बहुत ही खुशनुमा सा जो माहौल था। तो मुझे लगा कि कौन सी दुनिया है, ये कौन से ऐसे लोग हैं जो हर किसी के चेहरे पर इतनी खुशी है, इतना खुशी का माहौल है, इतनी जो है डिवाइन है यहाँ पर, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे। जब वहां पर जब सेकेंड डे हुआ तो किसी ने कहा कि ये पांडव भवन है, ये बाबा की कुटिया है, तो शायद इस जो है इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट भी हैं और जो जिनको मैं एक्टिंग क्लासेस की जो मैं कोचिंग वगैरह करवाती हूँ और जिनको मैं मोटिवेशनल जो है स्पीकर भी हूँ, तो उनको भी मैंने बोला था, शायद वो भी देख रहे होंगे। तो मैं जो है कहना चाहती हूँ कि बाबा जो है, हम ये शिव परमात्मा के लिए हम बहुत प्यार से जो है उनको बाबा कहते हैं, तो वो जो परम पिता परमात्मा जो है, जो शिव है, उनको हम बाबा कहते हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि बाबा की कुटिया है और यहाँ पर आप जो कुछ भी अगर उनसे बोलोगे ना, तो वो आपकी जो है हर इच्छा जो है वो आपकी पूर्ण होगी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है। तो मैंने बहुत मजाक के वे में और बहुत उसने बोला बहुत कि अच्छा ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी लिखो तो वो चीज आपकी पूरी हो जाती है, मिल जाती है। तो और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे जो है बचपन में ही जो है मेरे माता पिता की जो देहांत है उनका बचपन में ही हो गया था। तो जब मैं वो बाबा की कुटिया के अंदर जब मैं पहली बार गई, तो द वन क्वेश्चन कम इन माई माइंड, वेर इज माई फैमिली। तो आई जस्ट रोट दैट लेटर टू बाबा और मैंने बाबा को बोला कि मेरी फैमिली कहाँ है, और वो मैंने जो है उस बॉक्स के अंदर डाल दिया। उसके बाद जो है तीन चार दिन का हमारा जो है वो आर्ट एंड कल्चर विंग की जो हमारी सेमिनार थी, और उसके बाद जब हम वहां से जब आने लगे, वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकती कि जब मैं वहां से आने लगी तो मुझे लगा कि मैं क्यों यहाँ से जा रही हूँ, मतलब मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा घर है, और मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। और मेरी आंखों से जो है आंसू जो है इस तरह से बहने लगे कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं ना रोऊं, लेकिन मैं इतने बच्चों की तरह रो रही थी। तो वहां पर जितने भी हमारे जो वरिष्ठ जो भ्राता हैं, जैसे दयाल भाई जी हैं, सतीश भाई जी हैं, सुभाष भाई जी हैं, आनंद जी हैं, वो सब घबरा गए कि इसको अचानक क्या हो गया, और मेरा तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो वहां पर जो है बोरीवली सेंटर की जो है दिव्या बहन है, तो उनको मैं गले लगकर जो है इतनी जोर जोर से रोने लगी। वो जो समय था जब बाबा ने मुझे ये टचिंग उसी वक्त करवा दी थी कि बच्चे ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ से बिलोंग करो, और जो है इस तरह से जो है बाबा ने जो है उसी वक्त मुझे ये एहसास करवा दिया था कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है। तो वैसे तो जनरली जब माउंट आबू जब लोग आते हैं तो ज्यादातर अमूमन ऐसा ही होता है कि लोग पहले कोर्स करते हैं, 7 डेज का कोर्स करते हैं, और उसके बाद उनको जो है माउंट आबू आने का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन मैं तो वहां पर पहले गई थी, और उसके आने के बाद जो है मैंने जो है 7 डेज का जो है कोर्स किया। आते ही मैंने जो है लोकिन वाला से जो है 7 डेज का कोर्स किया। तो जब मैंने 7 दिन का कोर्स कर लिया तो मतलब मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर मैंने दूसरी बार कोर्स किया, फिर मैंने तीसरी बार कोर्स किया। तो मेरे कुछ क्वेश्चन थे, तो मुझे नॉलेज बहुत अच्छी लगी, सारी चीजों से मैं जो है इत्तेफाक रखती थी, लेकिन एक जगह आकर जो है मेरी बुद्धि अटक गई कि ब्रह्मा बाबा ही जो है वो कृष्ण बनेंगे यहाँ पर जो है। मतलब मैंने कहा कि सारी चीजें ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ब्रह्मा बाबा ही जो है कृष्ण बनेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं वो क्वेश्चन लेके जो है सारी रात जो है ना मैं मेरी चिटचिट चलती रही, और मैं जो है दिमाग में मेरे चलते रहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, मैं इस बात को नहीं मानती, और मेरे दिमाग में बहुत देर तक जो है इस तरह के क्वेश्चन चलते रहे। फिर मुझे साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार ऐसा हुआ, इतना वंडरफुल साक्षात्कार हुआ कि मैंने देखा कि सबसे पहले जो है कृष्ण आए, और कृष्ण की जो है वो लाइट 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 जो है वो मेरे ऊपर वो लाइट आ रही है,
और कृष्ण के पीछे से जो है विष्णु निकली और विष्णु की जो लाइट जो है वो मेरे ऊपर आ रही है और वो मैं ये देख रही हूँ कि कृष्ण आए, कृष्ण के पीछे से विष्णु आए और वो लाइट मेरे ऊपर आ रही है और मेरे मन में ये चल रहा है कि ये ब्रह्मा कौन है, कौन है अब तो मुझे बता दो। और जब है कृष्ण के पीछे से विष्णु निकले, विष्णु के पीछे से फिर जो है ब्रह्मा बाबा जो है वो इस तरह से, मतलब जो है बाबा का एक बहुत ही, अगर एक पिक्स अगर आपने देखी होगी कि वो बाबा ने जो है साफा बांधा हुआ है, बाबा जो इस तरह से जो है स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो वो जो है ब्रह्मा बाबा जो है फिर वो निकल कर पीछे से आए, तब मुझे जो है वो मेरा डाउट जो था वो बाबा ने जो है इस तरह से जो है क्लियर किया। तो आर्ट एंड कल्चर विंग से जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे ख्याल से शायद जून, मई या जून के अंदर हमारी कॉन्फ्रेंस थी, मई जून जुलाई और अगस्त, तो मेरा परिचय जो है वो कुसुम दीदी से हुआ। तो उनको, उनसे जो है मैं उसी दौरान जो है उनसे मिली थी, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो है इस तरह से जो है अगरतला हम लोगों का जाने का प्रोग्राम है, अगर आप आएंगी तो जो है कुछ सेवा वगैरह हो जाएंगी, तो आप विचार करो आपको आना है या नहीं आना है। तो मैं तो बहुत खुशी थी, जैसे बोलते हैं कि जब आप नए नए यज्ञ में आते हैं तो बाबा तो आपको खुशी में ऐसे उड़ाता है कि आपके पैर जमीन पे नहीं होते, तो मैं तो बहुत ही उत्साह में, मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो जरूर आऊंगी। और जो है तो जो है मुझे लगता है कि मेरे जो जीवन के अंदर जो जो महापरिवर्तन जो आया, मुझे लगता है कि उसका जो जो सारा जो श्रेय है जो है वो मैं हमारी जो आर्ट एंड कल्चर विंग की जो कुसुम दीदी है ये मैं उनको देना चाहूंगी, कि उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप जो है यहाँ पर हमारा जो है आर्ट एंड कल्चर विंग, तो वहां पर जो मुझे जो समय गुजारने का जो 10-15 दिन जो मैं ब्रह्मा कुमारियों के बीच में रही, तो मैंने उनको देखा कि वो किस तरह से उठते हैं, किस तरह से वो वार्तालाप करते हैं, किस तरह से वो बातचीत करते हैं, किस तरह से वो भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि मैं तो जब कुसुम दीदी के साथ जब मैं वहां पर रही, जब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों के बीच में जब मैं रही, तो मैं पूर्णतः धारणाओं में तो नहीं थी, पवित्रता का भी नहीं पता था, और जो है हमारी जो चार सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा और सेवा, उससे भी मैं भली भांति परिचित नहीं थी, क्योंकि नया नया मैंने कोर्स किया था और मैं तो बस जिसे बोलते हैं कि एक, जैसे बोलते हैं ना कि मैं मिट्टी थी, मतलब एक जो है बस जैसे बोलते हैं कि मिट्टी को जिस तरह एक गीली मिट्टी होती है उसको जिस तरह की आप शेप देना चाहें, जिस तरह का आप उसको आकार देना चाहें, वो वैसे सांचे में ढल जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो सारा क्रेडिट जो है वो मैं अपनी कुसुम दीदी को देना चाहूंगी, कि उनकी वो पारखी नजरें थी कि वो जब भी क्लास होती थी, जब भी वो जिसे बोलते हैं जब वो क्लास करवाती थी, तो वो हमेशा जो है वो मुझे बहुत ही पावरफुल जो है वो दृष्टि दिया करती थी। और पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं थिएटर से मेरा बैकग्राउंड है, तो हमको अक्सर ये सिखाया जाता है कि अगर कोई भी अगर आपको देखे तो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, तब मुझे पता नहीं था कि दृष्टि का मतलब क्या है, बस मैं ये जानती थी कि हाँ कुसुम दीदी बैठी है और वो मुझे देखी है और मुझे उनको देखना है। तो वो अब मुझे समझ में आया कि वो इतनी पावरफुल दृष्टि जो है वो मुझे अक्सर दिया करती थी, सुबह मुरली खत्म होने के बाद जब शाम का नुमा शाम योग होता था तो वो अक्सर मुझे जो है दृष्टि दिया करती थी इतनी पावरफुल। तो मुझे लगता है कि मेरे को जो है सवारने में, मुझे इस तरह से ढालने में जो है उनका बहुत हाथ है। तो और मैं उनसे हर चीज पूछती थी, क्योंकि फिल्म लाइन में थी तो अक्सर जो है हमारे ड्रेसेस कैसे होते हैं, टाइट टाइट जींस होते हैं, छोटे छोटे कपड़े तो खैर मैं नहीं पहनती थी, लेकिन हाँ टाइट जींस मैं जरूर पहनती थी। तो फिर मैं कुसुम दीदी को जो है अक्सर अपने ड्रेसेस बताती थी, हाँ कुसुम दीदी ये ड्रेस ठीक है, तो कुसुम दीदी बोलते थे कि नहीं अच्छा थोड़ा सा, वो भी हमेशा मुझे इस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया कि किसी तरह से मैं हर्ट ना हो जाऊं या किसी तरह से जो है मुझे कुछ बुरा ना लग जाए, उन्होंने इस बात का जो है हमेशा ध्यान रखा। तो बहुत ही प्यार से मुझे समझा देती कि नहीं अगर इसकी जगह अगर आप कुछ दूसरा पहन लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वहां से जो है मैंने जो मुझे जो उनकी पालना जो मिलने मुझे शुरू हुई, और मैंने देखा कि संघ का रंग कैसे लगता है। अक्सर हम सुनते हैं कि संघ का रंग जरूर लगता है, कहते हैं कि जैसा संघ वैसा रंग और जैसा अन्न वैसा मन। तो ये मैंने प्रैक्टिकल में जो है वहां पर जब मैं उन बहनों के बीच में रही, उनके बीच में खाना खाना, उनके साथ रहना, उनके साथ मतलब जो 10-15 वहां से आने के बाद,
तो मैं जब वहां पर ये जो है मैं वहां पर जो है बैच लगा हुआ देखती थी, तो मेरी नजरें अक्सर जो है बैच पर टिक जाया करती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे ये बैच मुझे भी पहनना है। तो मैंने दयाल भाई को बोला, क्योंकि दयाल भाई भी हमारे साथ थे, मैंने दयाल भाई को बोला, मैंने कहा मुझे ना ये जो बैच है ना, मुझे ये बैच चाहिए। तो दयाल भाई ने भी मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बैच मेरे हाथ में रखा और उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ये बैच तुम अभी नहीं लगा सकती हो। तो मैंने बोला अच्छा क्यों नहीं लगा सकती हो? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुमको धारणाओं पर चलना पड़ेगा, इसके ऊपर तुमको जो है सारी जो ब्रह्मा कुमारीज के जो भी हैं, जो ब्राह्मण परिवार की जितनी भी जो धारणा है उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इसको पहन सकती हो। और वो जो है बैच जो है मैंने हाथ में लिया और उसी वक्त मैंने प्रण किया कि अब जब तक मैं इन धारणाओं को फॉलो नहीं करूंगी तब तक जो है मतलब अब मुझे ये धारणाओं को फॉलो करना है और ये बैच तो मैं को पहनना है। वो दिन था, वहां से आने के बाद आज तक इस बात को करीब करीब जो है मेरे ख्याल से 10 साल होने वाले, मैं बाहर का खाना नहीं खाती। मैं शूटिंग में जाती हूँ तो मैं अपना खाना बनाकर लेकर जाती हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाती और तो और मैं किसी के बने हुए हाथों का भी खाना नहीं खाती। मैं अपने हाथ से ही खाना बनाती हूँ, बाबा को भोग लगाती हूँ और उसके बाद जो है मैं भोजन को ग्रहण करती हूँ। तो वो दिन था और आज का दिन है कि मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस जो धारणा जो बनाई हुई है, जो हमारी ब्राह्मण परिवार की जो विशेषता है, जो धारणा है, मैं उसके ऊपर पूरी तरह से चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये तो जो 4 सब्जेक्ट हैं वो इतने खूबसूरत है कि अगर आपको ये जो ज्ञान समझ में अगर आ गया, अगर आपने ज्ञान की गहराई को अगर अच्छे से समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत सहजता से जो है आपके अंदर धारणा आ जाती है। और जब आपके अंदर जब आपको ज्ञान समझ में आता है तो आपका परमात्मा से योग लगता है। योग यानी कि परमात्मा को हम जब याद करते हैं, योग को ही याद कहा जाता है, तो परमात्मा से योग लगता है। तो जब हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे अंदर उसके गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो जब धारणा जब हमारे अंदर जो है ज्ञान समझ में आता है तो हमारा योग लगता है, जब हमारा योग लगता है तो हमारे जीवन में धारणाएं आ जाती हैं, और जब धारणा होती है तो चलते फिरते जो है आप उठते बैठते जो है फिर आपकी सेवाएं तो शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाबा ने जो है मुझे इतना प्यार दिया है, शिव बाबा ने से तो मुझे प्यार मिला ही मिला है, लेकिन मुझे पालना भी जो है अविक्त बाप दादा ने जो है मुझे पालनाएं भी दी है। मुझे ब्राह्मण परिवार से भी जो है बहुत सारी पालना मिली, जैसे कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन बाबा ने जो है बॉम्बे में रहते हुए भी जो है मेरा चारों सेंटर जो मतलब जिसे कहते हैं कि महानगर के अंदर जो 4 जो है मेन सेंटर है, जिसके अंदर जो है बोरीवली सेंटर है। तो जब मैं पहली बार जब मैं आर्ट एंड कल्चर विंग में आई तो मैं बोरीवली सेंटर के थ्रू यानी कि हमारी जो दिव्या बहन है उनके कनेक्शन से जो है मैं जो है आर्ट एंड कल्चर विंग के अंदर आई। तो दिव्या बहन के अंदर जो है वो हमेशा जो है वो मुझे बहुत ही ममतामय मूर्त हमेशा ही उनके अंदर मुझे माँ नजर आई, क्योंकि उन्होंने जब मैं पहली बार जब बच्चों की तरह रो रही थी तो उन्होंने मतलब जो है इतने प्यार से मुझे गले लगाया, इतने प्यार से मुझे अपना बनाया मुझे उन्होंने, कि वो प्यार मैं आज तक नहीं भूलती। शायद ये प्यार था जिसने मुझे बांध के रखा। और हमारे ब्राह्मण परिवार में तो एक ही विशेषता है कि अगर हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे पास इतना भरपूर प्यार होता है कि समस्त दुनिया की आत्माएं भी आ जाए तो भी हमारा प्यार खत्म नहीं होता। तो दिव्या बहन से मैंने ये देखा कि जो है माँ की ममता कैसी होती है, ममता मई जो उनकी जो मूर्त है उनसे मैंने वो सीखा। उसके बाद भी मैं देखती हूँ उनकी पर्सनैलिटी इतनी रॉयल है, उनको हमेशा देखकर ऐसे लगते हैं कि साक्षात जैसे वो जगदम्बा है। तो मैं जब भी उनकी तरफ देखती, जब भी मैं उनकी मूर्त की तरफ देखती, उनका वो रॉयल फेस, उनका वो खुशनुमा चेहरा, वो दृढ़ता जिसे बोलते हैं ना कि अथॉरिटी, आज इतने जो है सेंटर को और जितने भी जो है मतलब दादियों की पालना, जितने भी जो बाहर से जितने भी जो हमारे महारथी आते हैं, दादियां जो आती हैं विले वाले सेंटर में ही जाकर जो है रुकते हैं। और लोखन वाला सेंटर से मैंने एक बात देखी जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन अगर कहीं का देखना है तो वो लोखंड वाला सेंटर का देखना चाहिए। जो हमारी जो चंपा बहन है जो हमारी, वो इतनी मतलब स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट और होना भी चाहिए कि मतलब उनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। मतलब उनके संकल्प की जो पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो व्यक्ति को देखकर उनके बारे में बता देती है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति की मंशा क्या है, व्यक्ति की मंशा क्या है।
तो जो है वहां से जो डिसिप्लिन है वो जो है नम्रता बहन थी, अभी हमारी हर्षा बहन है, तो उनसे भी जो है मतलब काफी कुछ हमको सीखने के लिए मिला। उसके बाद जो है ये दो सेंटर हो गए, और जो तीसरा जो बड़ा जो सेंटर है वो है गांव सेंटर। तो जब मैं पहली बार आर्ट एंड कल्चर विंग के अंदर आई थी, तो मैंने जो सबसे पहले किसी ब्रह्मा कुमारी को अगर मैंने स्टेज पर बोलते हुए जो सुना था वो थे हमारी गांव देवी जो सब जोन इंचार्ज है नेहा देवी जो है, उनको मैंने बोलते हुए सुना था। और तो मैंने बोला था इतना स्वीट बोलती हैं ये, कितना सुंदर बोलती हैं, मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो वहां से मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई। और नेहा दीदी की जो है एक विशेषता है कि बालक बनकर मालिक पना कैसे जो है मतलब जो है पाया जाता है या हासिल किया जाता है, वो विशेषता जो है मैंने उनसे सीखी। कि वो उनको अगर नेहा दीदी को देखो, वो इतनी सॉफ्ट सी है, इतनी नाजुक सी है, वो इतनी छोटी सी लगती है, वो बिल्कुल बच्ची जैसी लगती हैं, लेकिन फिर भी देखो आज इतने बड़े सेंटर्स जो है, इतने सब जोन की जो है वो इतने बड़े इंचार्ज है, आज जो है हमारी गुलजार दादी वहां पर है, पूरा हमारा ब्राह्मण परिवार वहां पर आता है। तो वहां से जो है उनसे मैंने वो सीखे। और साथ साथ जो है मेरा जो परिचय जो है वहां पर जो है रमेश भाई जी से हुआ। तो आर्ट एंड कल्चर विंग का नाम हो और अगर रमेश भाई जी का नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। तो रमेश भाई जी जो है हमें वो कह सकते हैं कि हमारे यज्ञ के जो है एक जिसे बोलते हैं कि वन ऑफ द जिसे मेन पिलर में से एक है। तो मैं कहूंगी कि मुझे जो है उनकी सबसे ज्यादा जो है मुझे उनकी पालना मिली है। तो मतलब आज भी गांव देवी में कुछ वरिष्ठ भाई हैं जो बोलते हैं कि द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड, जिसे बोलते हैं ना कि रमेश भाई जी के अगर कोई पैम्पर्ड चाइल्ड है तो ये मोनिका है। तो मुझे उनसे इतना लाड़, इतना प्यार मुझे उनसे मिला कि, और मैंने एक विशेषता भाई जी से ये देखी कि मैंने उनकी मैं इतने अंग संग रही हूँ, उनकी इतना करीब रही हूँ, इतनी मतलब बारीकी से जो है मैं भाई जी के साथ रही हूँ कि उन्होंने आज तक कभी भी जो है ना कभी किसी के बारे में जो है उन्होंने कभी कोई आलोचना नहीं। लेकिन उनके अंदर मैंने ये देखी कि स्पष्टवादिता क्या होती है, कि अपनी बात कहने के लिए अगर आप गलत हैं तो उनके अंदर ये विशेषता थी कि वो गलत को गलत और सही को सही कहने की जो उनकी जो विशेषता थी वो हमेशा बहुत स्पष्ट थे। और जो है और हर कोई जो है इस विशेषता के कारण जो है उनसे हर कोई डरता भी था, लेकिन मैं ही एक ऐसी थी कि मुझे कभी उनसे कभी डर ही नहीं लगा। मैं हमेशा उनके जैसे बिल्कुल बगल में जाके बैठ जाया करती थी। और रमेश भाई जी के यहाँ मतलब ऐसे समझ लो कि मेरे को इतनी पालना मिली कि मैं हर हफ्ते जो है हर चौथे दिन पांचवें दिन जो है मैं अपनी गाड़ी उठा के जो है मैं जो है वहां पहुंच जाया करती थी, हाजिली पहुंच जाया करती थी भाई जी के पास। और भाई जी के साथ बैठकर जो है हमारा डिनर हुआ करता था हम लोग। भाई जी से फिर भाई जी यज्ञ की बातें बहुत सारी शेयर करते थे कि किस तरह से ब्रह्मा बाबा, किस तरह से मम्मा ने आकर जो है उनको पालना दी, और किस तरह से जो है उन जो है घर में आकर तो वो कमरे जहाँ पर ब्रह्मा बाबा, जहाँ पर मम्मा आकर रही, तो उस घर के अंदर मतलब मेरी भी जो है वो उनके साथ साथ जो है मुझे जो है भाई जी की बात। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई जी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके जो है मतलब इतना ट्रस्ट करके जो आर्ट एंड कल्चर विंग के जितने भी जो ड्रामा हुए, तो जब गांव देवी के जब 50 साल पूरे हुए तो जब भाई जी को पता चला कि मैं जो है थिएटर से हूँ और थिएटर मेरा पैशन है और मैंने काफी ड्रामे जो है मैंने किए हुए हैं, तो रमेश भाई जी ने जो है मेरे ऊपर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था लेकिन उनको मेरे ऊपर पूरा यकीन था कि मैं ये चीज कर लूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी या गांव देवी के जो है पूरे 50 साल पूरे हो रहे हैं, उसके लिए जो है बहन जी आपको ड्रामा लिखना है और उसे आपको तैयार करना है। मैंने बोला जरूर, और हाँ जी का पार्ट तो पक्का था भाई जी ने कहा। और जो है वो गोल्डन जुबली का जो है जिसे बोलते हैं कि 50 साल जब पूरे हुए थे तो उसका जो है गांव देवी का, तो वो गोल्डन जुबली का जो ड्रामा जो है वो लिखा भी। और उसके अंदर करीब करीब जो है मेरे ख्याल से टीवी इंडस्ट्री से और फिल्म इंडस्ट्री से, और जिसके अंदर कह सकते हैं कि कोरियोग्राफर जिसे बोलते हैं मेन मतलब प्रोफेशनल कोरियोग्राफर ने है जो उस ड्रामे के अंदर कोरियोग्राफी की थी, और मेरे ख्याल से उसके अंदर 100 से ज्यादा करीब जो है 100-150 लोगों ने जो है फिल्म आर्टिस्ट थे जो जिसके अंदर मॉडल भी थे, टीवी एक्टर भी थे, उन सभी ने जो है उस ड्रामा के अंदर पार्टिसिपेट भी किया।
और साथ ड्रामे के साथ साथ जो है हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको जो है बाबा का भी जो है मैं परिचय उनको दे दूँ। तो हम रिहर्सल भी करते थे और उनको साथ साथ जो है मैं उनको बाबा का परिचय यानी कि उनको मैं कोर्स भी करा देती हूँ। उसके बाद जो है मतलब ये जब ये 50 साल पूरे हुए तो जब इंटरनेशनल योगा डे जब घोषित हुआ तो रमेश भाई जी ने फिर जो मतलब उनको जो है उन्होंने मुझे फिर से कहा एक सेवा दी कि जो है कि मोनिका बहन आपको जो है योगा डे आ रहा है इसके ऊपर भी आपको जो है ड्रामा तैयार करना है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन जब हम रिहर्सल कर रहे थे और कुछ उसके साथ साथ जो है हमारे यज्ञ की जो है एक मेरे ख्याल से ड्रग के ऊपर मेरे ख्याल से जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बन रही थी यानी कि सीरियल भी बन रहा था जिसे बोलते हैं नशे के ऊपर जो है कोई सीरियल भी बन रहा था तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी और उसी दिन जो है हमारे प्ले की रिहर्सल भी शुरू होने वाली। तो शायद पता नहीं शायद भाई जी को इस बात का एहसास था या क्या था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो मैं भी वहां पर थी तो भाई जी ने बोला कि चलो मैं आपकी रिहर्सल देखने के लिए आता हूँ। तो मैंने बोला हाँ भाई जी क्यों नहीं। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि रमेश भाई जी जो है वहां से जब उन्होंने रिकॉर्डिंग खत्म की तो नेहा बहन और रमेश भाई जी और बाकी के सारे लोग जो है हम जहाँ पर रिहर्सल कर रहे थे वहां पर जो है वो रिहर्सल देखने के लिए वहां पर जो है भाई जी आए। और उसके नेक्स्ट डे जो है भाई जी के साथ जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, अगर आप सभी को याद हो कि वो बाथरूम में गिर गए थे और उसके बाद जो है फिर वो ठीक भी नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से करीब 1-1.5 साल तक जो है वो बेड पर ही रहे और उन्होंने जो है हमारा ड्रामा भी जो है जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था उन्होंने लाइव देखा था। तो कहने का अर्थ ये है कि विशेष आत्माएं हैं तो विशेष आत्माओं को आभास हो जाता है, तो शायद इसी वजह से है कि वो हमारे रिहर्सल देखने के लिए हमसे मिलने के लिए जो है वो पूरी पूरी यूनिट से जो है पूरे ड्रामा की टीम से वो आकर स्पेशली मिले। उसके बाद जो है फिर गाम देवी का ही ड्रामा देखकर जो है फिर मेरा कनेक्शन जो हुआ वो कोलाबा सेंटर से। कोलाबा सेंटर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो जब रमेश भाई जी जब है मतलब एडवांस पार्टी में गए जब उनका जो है स्वर्गवास हुआ तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो है मुझे हुई थी। मुझे पता है कि मेरी हालत क्या हो गई क्योंकि रमेश भाई जी मेरे लिए एक फादर फिगर तो थे ही थे लेकिन वो मेरे मेंटर भी थे और जो है वो मेरे फादर थे, वो मेरे मेंटर थे, वो मेरे जिसे कहते वो मेरे भाई समान थे, वो मेरे दोस्त थे क्योंकि मैं उनसे हर चीज डिस्कस करती थी और मुझे कोई भी साक्षात्कार होता था ना तो मैं सबसे पहले जाके रमेश भाई जी को बताती कि रमेश भाई जी आइए चलो 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 मैं आपको साक्षात्कार बताती हूँ, आज मुझे ये साक्षात्कार हुआ। और रमेश भाई जी भी जो है ना इतने प्यार से मेरे सारे साक्षात्कार सुनते थे और इतने ध्यान से सुनते थे। तो जब कोलाबा सेंटर से जब उन्होंने ड्रामा देखा जो क्या बोलते हैं गायत्री बहन ने तो उन्होंने बोला कि भी हमारे जो कोलाबा सेंटर है उसको भी जो है 75 इयर्स या 50 जो है पूरे होने वाले हैं तो हम चाहते हैं मोनिका बहन कि आप भी जो है हमारे लिए ड्रामा लिखो जैसे आपने लिखा। तो फिर मैंने भाई जी से परमिशन ली तो भाई जी ने बोला हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद तो फिर जो है रमेश भाई जी तो फिर हमारे बीच नहीं थे, वो एडवांस पार्टी में चले गए थे। लेकिन उसके बाद जो है मुझे गायत्री बहन ने जिसे बोलते हैं उन्होंने मुझे बहुत पाला, मतलब मैं तो ऐसे ऐसे हो गई थी, मुझे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। मतलब जिसे बोलते हैं कि एक बार जिसे बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता लेकिन उसके बाद गायत्री बहन ने मुझे बहुत ही प्यार से जिसे बोलते हैं ना कि इतना इतना प्यार से माँ बनकर दोस्त बनकर जिसे बोलते हैं इतने प्यार से उन्होंने पालना दी। और जो जो मुझे लगता था कि भाई आर्ट एंड कल्चर विंग में जो मैंने जो इतनी सेवाएं की हैं जो अब तो वो हो गई नहीं लेकिन वो जो जो जिसे बोलते हैं कि वो दौर पे रुका नहीं। रमेश भाई जी तो नहीं थे लेकिन रमेश भाई जी जैसे बोलते हैं ना कि मेरा हाथ जो है वो जो है गायत्री बहन के हाथ में देकर चले गए थे। तो गायत्री बहन ने एक बात बोली थी कि जो बात मेरे दिल को बहुत छूती है कि जाते जाते जो है ना रमेश भाई जी ने जो है मोनिका को मेरी गोद में डाल दिया। ये बात उनकी जो कहे हुई मेरे दिल को इतनी छू गई कि अभी तो जैसे अभी पैंडमिक है और अभी तो मैं जाना नहीं हो पा रहा है, सारे सेंटर्स बंद हैं
तो वो इतना अटैचमेंट हो गया था कि मैं यहाँ पर अंधेरी में रहती हूँ और कम से कम जो है वो 60 से 65 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं ड्राइव करके जो है हर हफ्ते मैं जो है कोलाबा सेंटर पहुंच जाती, कई बार मैं मुरली भी अटेंड करती थी, कई बार जाके वहां पर सेंटर पे जाके मैं क्लासेस भी करवाती थी। तो और वहां पर कभी जो है हमेशा जो है अक्सर जो है गायत्री बहन जो है कभी कोई ना कोई जो है सेवा की भी, चलो आप अभी इसके ऊपर ड्रामा तैयार करो, अभी ये न्यू ईयर आ रहा है इसके ऊपर कोई ड्रामा तैयार करो, उसके साथ साथ वो तो होते ही रहता था। लेकिन जो है फिर जैसे कि कोलाबा सेंटर का जो है मतलब उनका जो मेन रिट्रीट होता है सितंबर के अंदर जो है पांडव भवन, तो मैंने बोला ये जो है पांडव भवन आपको रहने का जो सौभाग्य हर किसी को कहाँ मिलता है, तो मैंने बोला ये तो ये मौका तो नहीं छोड़ सकते। तो पिछले 4-5 साल से तो जो है मैं कोलाबा सेंटर की तरफ से जो है मेन जो हमारा भट्टी कम रिट्रीट होता था, तो 4-5 साल से जो है हम पांडव भवन जाने का मौका मिलता था, वहां रहने का मौका मिलता था। तो वहां पर भी जो है कल्चर प्रोग्राम में जो है वहां पर भी जो है गायत्री बोलते थे कि गायत्री बहन बोलते थे कि यहाँ पर भी ड्रामा करो। तो बाबा की जो स्टेज जिसे बोलते हैं डायमंड हॉल से लेकर, क्योंकि जितनी भी जो गोल्डन जुबली, चाहे वो गांधीवी की गोल्डन जुबली हुई है, चाहे वो कोलाबा की गोल्डन जुबली हुई है, या जो हमारे यज्ञ की जो 80 साल पूरे होने पर भी जो है मृत्युंजय भाई ने मुझे वो सेवा दी थी कि आप इसके लिए भी जो है हमारे लिए ड्रामा लिखो, तो वो जो है बाबा ने मुझे निमित्त बनाकर जो है मतलब मुझे बेहद की सेवा जो है बाबा ने मेरे से एक छोटी से समय में करवाई, और बहुत सारी आत्माओं को जो है सौभाग्य मिला कि वो मतलब जो है पांडव भवन में जो है जितने भी जो आर्टिस्ट हैं जो टीवी से जुड़े हैं जो फिल्म से जुड़े हैं उनको जो है आने का जो है यहाँ पर आने का उनको मौका मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और अनुभव तो ऐसे हैं कि जिसे बोलती हूँ कि साक्षात्कार मुझे बहुत हुए हैं। और मैं एक छोटी सी आपको बताना चाहती हूँ, एक शुरू शुरू की बात मैं बताना चाहती हूँ, तो कि एक चीज मुझे यज्ञ में रहते समझ में आई कि यज्ञ में जो है एज का सॉरी सालों का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, आप बहुत साल होने के बाद भी आपको ज्ञान की जो महीनता है जो वो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन आप एक छोटे से ही समय के अंदर इस ज्ञान की महीनता को समझ कर जो है जब आप उसके ऊपर चलते हैं, तो जो है बाबा ने कहा है कि जो है अगर उसकी आपको जो है मतलब उसको आपका मतलब एहसास ना हो, उसका आपको मतलब मतलब अनुभव ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि मुझे बाबा ने बहुत अनुभव करवाए हैं। तो मैं अब पीछे की तरफ आती हूँ, तो जब शुरू शुरू की बात बताती हूँ, तो जब मैं शुरू शुरू में आई तो मुझे बहुत टेंशन हुआ करती थी। तो जब मैं देखती थी कि कोई यज्ञ के अंदर किसी को 70 साल हो गए हैं, किसी को 40 साल हो गए हैं, कोई 50 साल हो गए हैं, तो मैं तो रात रात को बहुत रोती थी। मैंने कहा मैं तो अभी आई हूँ, मैं कैसे बाबा मतलब मैं इतनी कैसे इतना ज्ञान के अंदर इतना फास्ट कैसे जाऊंगी। तो मैं बहुत रोती थी और रोज रोती थी, रात को सोते सोते मैं बाबा से ऐसे बातें कर करके रोते 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 मैं सो जाती थी कि मुझे आपने जल्दी क्यों नहीं अपना बनाया, मतलब मुझे इतना टाइम आपने क्यों लगाया। तो एक दिन की बात है, ऐसे रोते रोते जब मैं सो गई तो मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा आए और मैं रो रही हूँ और मेरे जो आंसू जो है वो बाबा ने जो है अपने हाथ ऐसे आगे कर दिए और मेरे आंसू जो है उनके हाथों के ऊपर गिर गए। एंड वो उनके हाथों के ऊपर जब गिर रहे हैं तो जो वो गिरे तो वो जो है आंसू जो है वो जो है बाबा जब वो आंसू गिरे तो बाबा ने जो है ना वो उसको ऐसे ऊपर उछाल दिए और वो पल्स बन गए थे, वो जो मेरे आंसू थे वो पल्स बन गए थे, यानी कि मोती बन गए थे और वो वहीं के वहीं रुक गए। और मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ कि ये क्या हो गया, क्योंकि जब आप सूक्ष्म वतन में होते हो तो वहां पर संकल्प से आपको पता चल जाता है। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये क्या हुआ, तो बाबा ने बोला कि बच्ची ये मेरी याद में गिरी हुई मोती है, इनको मैं नीचे कैसे गिरने। तो ये इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि भगवान आपको कह रहा है कि परमात्मा की याद में अगर आप प्यार से अगर एक आंसू भी अगर आप उसकी याद में निकालते हो ना तो वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो बंधा ही मान है कि वो उसका रिटर्न भी आपको देगा। मुझे तो उसने ऐसे संभाल के रखा है, जब से मैं ज्ञान में चली हूँ इतना पैम्पर किया है मुझे, इतना उसने लाड़ किया है। तो अभी मैं एक छोटी सी और बात आपसे शेयर करती हूँ कि जैसे मैं बाबा को अपने हाथ से ही बाबा को जो है मैं
जो है खाना खिलाती हूँ, जब बाबा को भोग लगाती हूँ, तो जैसे मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं अक्सर जो है मतलब थोड़ा स्पाइसी, हल्का सा स्पाइसी या कुछ ऐसा बनाती हूँ। तो बाबा ने मुझसे एक बार कहा कि बच्ची कभी कभी मीठा भी बना लिया करो। तो दैट वाज सो स्वीट कि बाबा भगवान मुझे कह रहे कि बच्ची कभी कभी मीठा भी खिला दिया करो। तो जहां तक मैं बाबा को जब भोग लगाती हूँ, तो बाबा को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाबा को एकदम सादा भोजन, बाबा को मीठा बहुत पसंद है, दूध की बनी हुई चीजें बहुत पसंद है। मुझे एक अच्छी तरह से याद है कि मैंने एक बार जो है सैंडविच बनाया बाबा के लिए, और बाबा को मैं भोग लगाया, जब मैंने बाबा को भोग लगाया तो बाबा मेरे को बता रहे थे कि बच्ची अगर आपको अगर अभी अभी नेक्स्ट टाइम जब आप बाबा को अगर आप सैंडविच खिलाओगे ना, तो ये जो आप इसकी जो साइड है ना, ये साइड आप उसको निकाल के बाबा को भोग लगा। तो इस तरह से जो है बाबा ने मुझे जिसे बोलते हैं कि कई अव्यक्त तरह से जो है मुझे पालना बाबा ने दी। और जब मैं बाबा को भोग लगाती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि नमक ज्यादा हो गया है या आज खाना टेस्टी बना है, बाबा को खाना बहुत अच्छा लगा है। और मतलब बाबा को मैंने खिलाया, मुझे बाबा के चेहरे के भाव से ही पता चल जाता है कि आज का जो भोग है बहुत टेस्टी बना है। तो ये बहुत सारे अनुभव जो है इस तरह के मुझे हुए हैं और बाबा कराता है। और अभी का जो जो अभी जिसे बोलते हैं अभी टाइम बहुत कम है, एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है, तो अभी मैं कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है ये पेंडेमिक जो हुआ था अभी, जैसे ये कोरोना जब आया था, तो उसका जो है मैंने यूटिलाइज जो है घर में बैठकर जो है वो मैंने तपस्या में ज्यादा समय लगाया कि मैं बैठकर जो है ये है बाबा का जो है योग जो है बाबा से मैं योग लगाऊं। तो उस दौरान जो है मुझे मतलब काफी अच्छे जो है मुझे अनुभव हुए जो है ये इस काल के अंदर। तो जब मैं योग लगा रही थी, तो बाबा की अगर आप लोगों को अगर याद हो तो 3 या 4 मुठली कंटिन्यूस ऐसी चली थी जिस इविल सोल के बारे कंटिन्यूस चली थी कि इविल सोल कुछ अच्छी सोल भी होती हैं और कुछ जो है बुरी सोल भी होती हैं। तो इस तरह के जो है चली थी। तो बाबा तो मैं हमेशा बाबा जो कहते हैं मैं उनके महावाक्यों को जो है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो बाबा कह रहे हैं कितना कर पाती हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जो बाबा कह रहे हैं मैं उसको जो है फॉलो करूँ। तो बाबा ने कहा था कि ये जो भटकती हुई आत्माएं हैं इनको मतलब ठिकाना कौन दोगे, आप ही बच्चे हैं आपको ही इनको ठिकाना देना है। तो मैं जब योग करती थी, तो मैं जब मनसा सेवा करती थी, तो मैंने जो है मतलब जो है उनका मैं मतलब वो आह्वान करके जब मैंने उनको जब सकाश देना वगैरह जब मैंने शुरू किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे मतलब अभी जितनी दूर पर मैं बैठी हूँ, जितनी दूर पर जो है ये कैमरा रखा हुआ है, तो मैं उनको देख सकती थी, मतलब मैं उनको मतलब जिसे बोलते हैं मैं उनको देख पाती थी, मतलब मैं मतलब योग में बैठी होती थी और जिसे बोलते हैं वो एकदम सेकंड के अंदर, जिसे बोलते हैं एकदम एक छाया, जैसे बोलते हैं ना एक छाया की तरह वो मेरे सामने अपेयर होते थे और चले जाते थे। तो मैंने जैसे एक अमृत वेले जिसे बोलते, तो डेफिनेटली अमृत वेले अगर इस तरह की सोल आपके पास आ रही है तो वो अच्छी सोल ही होंगी या जो भी बोलो। तो एक बच्चे को देखा और एक बच्ची को देखा, 2 मैंने जेंट्स देखे और मैंने एक बूढ़ी माता को देखा जो मेरे पीछे से निकलकर हमेशा आती थी और जाती थी। तो जब ये हो रहा था और मैं उनको साकाश देती थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और मुझे डर भी नहीं लगता था, लेकिन बाबा के उसके बाद इमीडिएट बाबा की मुरली चली कि कुछ जो है इविल सोल भी होती है, अच्छी सोल भी होती है और इविल सोल भी होती है। दूसरे दिन ही बाबा की ये मुरली चली और जब मैं साकाश दे रही थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं साकाश इस तरह की जब मैं जो है मतलब जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनको जब मैं योग करके जब मैं उनको साकाश दे रही थी, लिटरली फॉर द सेकंड मेरी आंख बंद हुई और एक जिसने बोलते ना एक स्केल्टन टाइप का इतना डरावना सा जो हाथ एकदम से वो मेरे सामने आया, जैसे वो मेरे को झपट्टा मार रहा है और मैं एकदम से ऐसे मेरी आंख खुल गई एकदम से। और लिटरली मैं बता रही हूँ मैं जो है मतलब मुझे डर लगा, मुझे लिटरली डर लगा, लेकिन बाबा ने बोला कि डरना नहीं है क्योंकि तुम जो है शिव शक्तियां हो, तुम अगर डर गए तुम शिव की शक्तियां हो, तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम ही डर जाओगे तो उनकी सेवा कौन करेगी। तो शायद हो सकता है कि डर के मारे मैं छोड़ देती, लेकिन मुझे डर लगा क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे मैंने करीब करीब 3-4 दिन तक तो मैंने लाइट ऑन करके जो है मैं अमृत वेला भी करती थी और घर की मैंने लाइट भी मैंने ऑन, और उसके बाद जो है देखो पेपर कितना बड़ा आया। तो फिर मुझे जो है सूरज भाई की याद आई कि आप
जिसे बोलते हैं कि हमारे संकल्प के अंदर इतनी शक्ति है कि हम अगर कोई श्रेष्ठ अगर हम संकल्प करके अगर बैठते हैं। तो जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने जो है आधे घंटे मतलब योग शुरू करने से पहले जो है मैंने वो ऑरा अपने चारों तरफ मैंने ऑरा क्रिएट किया कि मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान पावरफुल, आई एम पीसफुल पावरफुल, मैं सर्वशक्ति, मैं शिव शक्ति हूँ, इस तरह का संकल्प लेके मैं वहां पर बैठ जाती थी। और आधे घंटे तक मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस तरह का संकल्प लेकर जो है मैं आधे घंटे तक जो है उस संकल्प के अंदर रहती थी। उसके बाद मैं योग करती तो मैं लिटरली डर गई, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं बिल्कुल, कि ये एक तरह से मेरा पेपर भी था कि मैं डर के मारे वो सेवा छोड़ देती हूँ या नहीं छोड़ती। मैंने सेवा नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद मैं उस दौरान जब ये कोरोना का काल जब चल रहा था तो मैं डबिंग कर रही थी, जो हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उसको गुजराती या हिंदी में हम लोग डब करते हैं। और वैसे जनरली मैं घर में तो टीवी देखती नहीं हूँ, लेकिन अब चूंकि वहां पर डबिंग कर रहे थे तो इतना बड़ा पेपर आया कि घर के अंदर मैं अकेली रह रही हूँ, और ऊपर से जब मेरे को वो फिल्में भी जब मिली तो वो हॉरर फिल्में आई। अब सोचो कितना बड़ा पेपर मेरे लिए कि जब हम डबिंग करते हो तो छोटा सा केबिन होता है और सामने टीवी होता है हमारे, और वहां पे सोचो कि आपके ऊट पटांग शक्ल जिसे बोलते हैं भूत प्रेत आपके सामने आ रहे हैं, आपको उनको देखना भी है और उनकी डबिंग भी करनी है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप सम्मान लेकर बैठते हैं, जब आप वो संकल्पों के अंदर इतनी ताकत होती है, जब आप स्वमान में बैठते हैं तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसकी ताकत मैंने खुद अपने ऊपर जो है इम्प्लीमेंट की है और मैंने इसकी पावर भी देखी है। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं अपनी जिंदगी में हॉरर फिल्म नहीं देखती, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने दो फिल्मों की कट टू कट बैक टू बैक दो या तीन फिल्में मैंने हॉरर फिल्म मैंने डब की और मुझे जरा भी डर नहीं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये बाबा की कमाल है कि बाबा ने हमको इतनी अथॉरिटी दी है, इतनी सर्वशक्तिवान जिससे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमारा पिता है, वो हमको पढ़ा रहा है परमात्मा शिव, और हम उसके बच्चे हैं। तो हम किसी भी तरह से किसी भी बात में हम कमजोर नहीं हो सकते हैं। तो ये एक अनुभव था, और छोटे छोटे अनुभव ऐसे हैं कि दो मिनट में मैं शेयर करना चाहूंगी कि अभी किसी के साथ कोई भी चीज होती है तो वो मुझे दिख जाता है, मुझे पता चल जाता है। जैसे हमारी बिल्डिंग के अंदर किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो जब मैं योग में बैठी तो मुझे पता चल गया था कि उसको यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पर उसको ब्रेन के अंदर चोट लगी है, और मतलब और मैंने उसके लिए योग करना शुरू कर दिया। तो जब वो मैं उसको मिलने के लिए गई तो 3-4-5 दिन के बाद जब वो हॉस्पिटल से आई तो मैंने बोला आप हल्दी के अंदर दूध डाल के आप पीना शुरू कर दो और थोड़ा सा जो है उसकी मसाज वगैरह, क्योंकि आपको ब्लड क्लॉटिंग वहां पर हो गई है। तो कहते हैं आपको कैसे पता चला, तो कहते डॉक्टर ने भी यही बोला कि मेरे को ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। तो जब मैं योग में बैठी तो वो मुझे उसके ब्लड क्लॉटिंग मुझे दिखाई दिए। तो और इस तरह से एक और एक आत्मा है, उन्होंने बोला कि भी एक बच्चा हॉस्पिटल मतलब एक बच्चा बीमार रहता है, आप उसके लिए योग करो। मैंने बोला हाँ जरूर मैं योग करूंगी। तो जब मैं योग में बैठी तो मुझे वो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर दिखाई दिया। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बच्चा क्या हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है क्या? तो उन्होंने बोला मुझे तो नहीं पता। फिर उन्होंने फोन लगाया तो उन्होंने बोला कि हाँ दीदी वो तो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि वो बहुत बीमार रहता है, आज ही उसको डिस्चार्ज किया है। तो जब मैं योग में बैठती हूँ तो बाबा इतना स्पष्ट आपको दिखा देता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मुझे भी बहुत अभी तो जिसे बोलते हैं कि सेवा करने में इतना मजा आता है, कोई मुझे बोलता है कि आप हमारे लिए योग करो, आज हमारे लिए प्रे करो, तो मुझे मैं बोलती हूँ हाँ हाँ मैं देखो मैं आपके लिए योग करूंगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और होता भी ऐसा है कि वो ठीक भी हो जाते हैं। कर मैं नहीं रही हूँ, कराने वाला तो वो है, लेकिन बाबा ने निमित्त बनाया है तो मैं बहुत दिल से करती हूँ और बहुत खुशी खुशी से करती हूँ। तो शायद इस वजह से जो है बाबा जो है अपना काम मेरे थ्रू करवा रहा है। तो ये यज्ञ बहुत वंडरफुल है, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, और हर आत्मा से जो है कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिला है, और मैं सीखती हूँ और अभी भी सीख रही हूँ। और हमारी वो दुनिया अलग है, फिल्म लाइन की दुनिया अलग है, लेकिन मुझे सच पूछो तो मुझे ये लाइफ सबसे अच्छी लगती है। मुझे अपने आप को आर्टिस्ट कहने में इतना प्राउड महसूस नहीं होता जितना मुझे अपने आप को ब्रह्मा कुमारी कहने में प्राउड महसूस होता है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम अ ब्रह्मा कुमारी। तो रमेश भाई अगर और कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं तो नॉन स्टॉप बोल ही रही हूँ और मेरे पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है।
अभी भी 5 मिनट है, आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जी नहीं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहें तो आप अपने से याद करके बताएं। बहुत अच्छे अनुभव आप सुना रही हैं, जितना याद आया आप शेयर करें। मैं आपको एक रमेश भाई जी के साथ का मैं आपको अनुभव मैं सुनाती हूँ कि जब मुझे साक्षात्कार जो है बाबा ने, मतलब मैंने जो है मुझे साक्षात्कार बहुत हुए हैं। इवन आई हैव सीन सतयुग, मैंने देखा है डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये पुरानी दुनिया खत्म कैसी होगी, और सतयुग कैसा होगा, मेरा सतयुग में पार्ट क्या होगा, वो बाबा ने मुझे पहले ही साक्षात्कार करवा दिए हैं। तो ये सारे साक्षात्कार जो है मैं रमेश भाई जी को बैठकर सुनाती थी। तो मैं बोलती थी, तो मैंने बोला रमेश भाई जी, मैंने ना बाबा को पूछा कि मेरा और आपका मतलब जो है, आपकी और मेरी जो इतना आपके अंदर, मतलब मैं आपका और मेरा जो इतना लगाव है, मैंने बाबा को पूछा। तो मैंने कहा, और मैंने बाबा को पूछा तो फिर मेरे को साक्षात्कार हुआ। मैंने रमेश भाई जी को जाके मैंने बताया, मैंने कहा रमेश भाई जी मैंने ना साक्षात्कार देखा, मैंने बाबा को पूछा कि आपका और हमारा मतलब जो रिलेशन क्या है, तो बाबा ने मुझे साक्षात्कार करवाया। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने जब वो देखा कि एक मैं मतलब जो है एक पूरे जिसे सतयुग मैंने देखा कि वो पूरा एक सुंदर सा एक गार्डन है, वहां पर जो है वहां पर मैं कुछ चित्र से कुछ मैं पेंटिंग कर रही हूँ, और कुछ कलाकृति है, कुछ पेंटिंग कर रही हूँ। और मैंने देखा कि बहुत भव्य सा जिसे बोलते हैं ना पुष्पक विमान आया, और रमेश भाई जी उस पुष्पक विमान में से उतरे, और आते ही उन्होंने मुझे गले लगाया गले लगा के, और फिर वहां पे वो जो कुछ ब्रश वगैरह रखे हुए थे, और उन्होंने एक स्त्री का जो है उन्होंने स्केच बनाना शुरू कर दिया। और मैं वहां पर एक युवराज थी, तो लेकिन तब जो उन्होंने मुझे गले लगाया, तब मुझे ये समझ में नहीं आया मुझे कि मेरा उनके साथ रिलेशन क्या है, लेकिन इतना समझ में आया कि बहुत प्यार का रिलेशन है, बहुत करीब का रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन क्या है ये क्लियर नहीं हुआ था। ये मैंने रमेश भाई जी को बताया। तो जब रमेश भाई जी ने जब शरीर छोड़ा, तो जब एक साल हुआ, तो जब यहाँ पर दीनन जो है, जब उनका मतलब एक साल के बाद जब है उनका वो सब रखा गया, तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा एक साल हो गया मैं भाई जी से नहीं मिली हूँ, और मेरे को उनसे मुलाकात करवा दो, मुझे उनसे मिलना है। तो जब वो उनके निमित्त जब भोग लगाया गया, तो मैंने बाबा को रिक्वेस्ट करी कि मेरे को उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलवा दो, और एक साल हो गया मैं तो मिली भी नहीं और मैंने उनको देखा भी नहीं है। तो जब उनके निमित्त जब भोग लग रहा था, तो मैंने देखा कि मैं वहां पर पहुंच गई हूँ, और रमेश भाई जी को मैंने देखा जैसे बोलते ना डिजोल्व, जैसे एक लाइट 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 से नहीं बोलते, बिल्कुल एक कैस्पर, एक इंग्लिश मूवी आई थी कैस्पर, कैसा बना हुआ होता है एकदम हल्का हल्का सा, वो एकदम सा ऐसे 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 मैंने रमेश भाई जी को मैंने देखा। और उसके बाद जब मेरे को नेक्स्ट बाबा ने जो मेरे को वो करवाया, मैं ऐसी थी, मैंने ये देखा कि मैं दौड़ रही हूँ, मैं छोटी सी 4-5 साल की मतलब एक छोटा सा बॉय हूँ, और मैंने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पर एक छोटा सा मुकुट है, गोल्ड के ऑर्नामेंट सारे पहने हुए हैं, और मैं दौड़ रही हूँ, और पीछे पीछे रमेश भाई जी मेरे भाग रहे हैं। तो ये उनके रहते ये बात स्पष्ट नहीं हुई थी, और ये बात जो है मैंने एक जो है हमारे बीके मीना है उन्हीं के साथ मैं उनसे सारे शेयर करती हूँ। तो ये बात मैंने उनसे शेयर किया और किसी को शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं ये टीवी के माध्यम से मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि यस ही इज गोइंग टू माय फादर। क्योंकि रमेश भाई जी की ये इच्छा थी, जब मेरी उनसे मुलाकात थी तो उनको अडॉप्ट करना था मुझे, उन्होंने मेरे को कहा भी था कि मैं तुमको जो है मतलब अपनी जो है पुत्री मतलब जो है उनको जो है मतलब अडॉप्ट करूंगा। तो जब ये बात की तो मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात थी। तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा, जब उन्होंने ये बात कही तो मैं इस बात से ही बहुत खुश थी कि मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़े मान की बात थी कि इतनी बड़ी हस्ती जो है मुझे अडॉप्ट करने की बात कह रही है। तो जब ये बात आई गई हो गई, तो शायद हो सकता है भाई जी ने यज्ञ में पूछा हो, और शायद उनको इस बात की परमिशन ना मिली हो, या कुछ उनका पार्ट या मेरा पार्ट नहीं था कुछ इस तरह का। तो भाई जी ने फिर इस बारे में कभी बात नहीं करी। हाँ, उन्होंने कहा था ये बात, तो मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि भाई जी ने खुद मुझे कहा था, लेकिन मैंने भाई जी को पूछा भी नहीं कि आप मुझे अडॉप्ट करने वाले थे तो आपने मुझे क्यों नहीं अडॉप्ट किया। आई डिडंट आस्क, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे मुझे इस बात में मतलब पूरा, क्योंकि मुझे ड्रामा पे
और हमारे जितने भी जो महारथी हैं उनकी हर बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है, तो मुझे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि वो मुझे अडॉप्ट करने वाले थे, उन्होंने मुझे अडॉप्ट क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसके पीछे भी मुझे यही दिमाग में यही संकल्प आया कि जरूर इसके पीछे भी कोई विशेष कारण रहा होगा। तो जब वो भाई जी चले गए उसके बाद जब मुझे वो साक्षात्कार हुआ तो मुझे बात समझ में आ गई कि क्यों ये जो है मतलब इसका क्या कारण हो सकता था। ये बात जो है पूरा स्पष्ट जो है, तो जब हम ज्ञान को फॉलो करते हैं तो हमारे सामने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। ये इस बात को मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और एक अभी एक और छोटा सा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि एक आत्मा से मैं किसी एक आत्मा से मैं जुड़ी एक मतलब ऐसी इंस्टा कह लो या जितने भी जो ये एक प्लेटफॉर्म पर हमारा परिचय हुआ, मैं कभी उनसे मिली भी नहीं और कभी हम सिर्फ ऐसे ही हमने वीडियो के मार्फत से या इस तरह से हमारी मुलाकात हुई कभी मतलब जो है एक आधार बात वगैरह हुई। तो उस आत्मा का मेरा कनेक्शन क्या है उसका भी मतलब मुझे पता चल गया। कुछ एक ऐसी बात हुई तो मुझे एकदम से वो पूरा विजन बिल्कुल क्लियर आ गया कि उस आत्मा के साथ मेरा पास्ट का कुछ रिलेशन था, बहुत क्लोज का, बहुत प्यार वाला रिलेशन था। इस वजह से इस जन्म में भी उस आत्मा के प्रति मतलब मेरा जो है इतना लगाव है। मैं हमेशा उनके उसके लिए उसके परिवार के लिए उन सभी के लिए जो है मैं दुआएं करती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी जो है ज्ञान के मार्फत से हमें इतना तो पता चल ही गया है कि या तो हमें किसी को कुछ देना है या हमें किसी से लेना है। तो ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क रह ही नहीं जाता। हर तरह से मतलब इस ज्ञान के आगे मतलब मैं कितनी तारीफ करूं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि आपने मुझे ये मंच जो है प्रदान करके अपने दिल की बात कहने की, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की, अपनी बात कहने की मतलब जो है आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया निमेश भाई जी, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत दिल से जो है मैं आपका आभार मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया जहाँ मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो है इससे जरूर जो है जो बीके हैं और जो नॉन बीके जो है जो इसको देख रहे हैं उनको जरूर इससे प्रेरणा मिलेगी। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो जरूर आप कोर्स जरूर करें। और जिन्होंने जो ब्रह्मा कुमार हैं तो ब्रह्मा कुमारी हैं, तो अभी तो समय बहुत कम है क्योंकि जो कुछ भी होगा अब अचानक ही होगा। और वैसे भी ये जो अब का जो समय है जो 21 है, 21 तो इतना उथल पुथल वाला है कि इसमें तो हमको बहुत ही जो है क्योंकि अभी जो हम पुरुषार्थ करेंगे वही हमारा काम में आएगा। क्योंकि जब इतनी हलचल होगी तो हम कैसे कब कहाँ किस तरह से हम पुरुषार्थ करेंगे। तो जितना टाइम हो सके जैसे मैं बीच में पहले मेरा नियम मैंने बनाया था कि मुझे 4 घंटा योग करना ही करना है। तो बीच में मेरा मतलब पिछले 4-5 महीने से जो है मेरा वो ब्रेक हो गया था कि मैं 4 घंटे योग नहीं कर पा रही थी। अमृत वेला और नुमा शाम योग कर लेती थी, बीच में 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कभी 1.5 घंटा हो, कभी 2.5 घंटा हो गया। लेकिन मैंने न्यू ईयर का जो है रेजोल्यूशन जो मैंने किया है कि मेरे को कम से कम 4 घंटे योग में तो बैठना ही बैठना है। ये मेरा न्यू ईयर का जो है रेजोल्यूशन है। और जितना जरूरी है उतना ही मैं बात करूंगी, ज्यादा हम वाचा में ना आए। जितनी हम अपनी एनर्जी को बचा के रखेंगे उतना हम उसको मनसा सेवा में लगाएंगे तो हम बहुत सेवा कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, कहाँ से शुरू करूँ आपकी तारीफ की माला, ये मैं सोच रहा था। लेकिन एक बात तो पक्की है, परम कलाकार का एक प्लानिंग है और वो प्लानिंग आपके रूप में है कि वो फिल्मी संसार और ये बाबा का संसार उसके बीच का आप एक ब्रिज है। और फिल्मी सितारों की सेवा करने के निमित्त आपको भगवान ने चुना हुआ है, वो आपके आप भगवान के वो प्यारे रतन है। तो आपके द्वारा बहुत सारी सेवाएं हो रही है और आपका बाबा के प्रति का प्यार, यज्ञ के प्रति का प्यार और यज्ञवासियों के प्रति जो आपका प्यार है वो बात देखने और सुनने से बनती है। और बाबा के प्रति जो आप भोग की भावना जो आपकी है, क्योंकि आपने अभी जो सैंडविच का अनुभव सुनाया वो आपने मुझे 3-4 साल पहले भी सुनाया था, मुझे बराबर याद था। अगर आप भूल जाती तो मैं आपको कहने वाला था, लेकिन आपको ये याद है और आपने आज भी दोहराया, ये कितनी अच्छी बात है। क्योंकि उस वक्त आपने ऐड भी किया था कि ये ना ये सख्त होता है, इसलिए बूढ़ा बाबा कैसे चबाएगा, तो इसलिए ये ब्रेड की स्लाइस जो है काटनी चाहिए साइड का। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितने सारे साक्षात्कार। तो ये
बात बताती है कि आपकी बुद्धि की जो लाइन है वो कितनी क्लियर है, और बड़ों की पालना का भी आपको विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और रमेश भाई जैसे महारथी का साथ और हाथ आपके सिर पर होना, ये बहुत अच्छी बात है। साथ साथ बड़ी बहनों के प्रति भी आपका कितना प्यार है, ये भी आज समझ में आया। तो प्यारे साथियों, आर्ट एंड कल्चर विंग की एक काफी एक्टिव मेंबर है हमारी मोनिका बहन, काफी बार आपने आर्ट एंड कल्चर विंग का नाम लिया, और सारी क्रेडिट अगर आप ऑब्जर्व करो तो उन्होंने बड़ों को ही दे दी, अपने प्रति कुछ नहीं रखा, लेकिन सारी क्रेडिट्स उनकी उन्नति की आपने दे दी। साथ साथ बेज का कितना महत्व है, ये सभी सभा में शामिल भाई बहनों को समझना चाहिए, ये बेज का जो महत्व है, कितना प्यार है बेज से, ये मेडल है और शिव बाबा का दिया हुआ मेडल है, तो सभी को इसका, मोनिका बहन को जैसे प्यार है ऐसे हम सभी को इसके ऊपर प्यार होना चाहिए, इसके ऊपर नाज होना चाहिए। और मोनिका बहन साथ साथ आज हमारी मीना बहन पटेल भी पधारी है, तो मैं देख रहा था परिचय तो कराए हमारी मीना बहन का। जी 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 हाँ मीना बहन, और बड़े ही प्यार से आपका अनुभव ना सुनती जा रही थी और मुस्कुरा रही थी सुन सुन के, एक एक बातों पे आप ही खुश हो रही थी। हाँ, क्योंकि वो मेरी जो है मतलब जितने भी जो मुझे अनुभव हुए हैं उसमें वो सबसे पहले उन्हीं को ही मैं जाके अपने सारे अनुभव सुनाती हूँ, तो वो इस बात की गवाह है कि जितने भी जो मुझे अनुभव, लंबी लिस्ट है, इतने शॉर्ट में मुझे सुनाना था, कभी अगर दोबारा मौका मिला तो डेफिनेटली जरूर सुनाएंगे। तो ओम शांति मीना, हाउ आर यू? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सभी को ओम शांति। मीनेश भाई भी, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल मोनिका, बहुत अच्छा लगा, मैंने पूरी वापस सुना, हम सुनती रहती हूँ उनका जो जो भी अनुभव होता है ना, बहुत मजा आता है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं तो सब इंस्पायरिंग, आई थिंक सभी के लिए बहुत मतलब इंस्पिरेशन है, यू नो, इससे बहुत बहुत मैंने सुना है, आई हैव हर्ड सो मेनी एक्सपीरियंसेस, हम लोग साथ में रहते हैं ना ड्रामास में, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इट्स निमेश भाई जी हाँ, जो मीना जो है वो लंदन से है, और आपने जो है जानकी दादी की जो है साकार में जो है इन्होंने पालना ली है, आपकी माता जो है यज्ञ में जो है, मीना आप बताएं अपने बारे में, और सबसे बड़ी बात, मेरे यज्ञ के जितने भी जो ड्रामा लिखे हैं, जितने मैंने मतलब किए हैं, उसमें मीना ने हर ड्रामा में एक्ट किया है मेरे। जी जी, और एक आपने ना बहुत अच्छा काम किया, एक मेरा कर्ज था वो उतारने का था मीना बहन के प्रति, मीना बहन को वंडर लगेगा, लेकिन मोनिका बहन आज आप निमित्त बनी। आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोग्राम था और मीना बहन ने लॉग इन किया था, हमने ही ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन मेरी कोई ज्यादा पहचान नहीं थी क्योंकि मैं फिल्मी दुनिया से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हूँ, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो मैं फिल्म सितारों को या ऐसे सबको नहीं जानता हूँ ज्यादा। तो मीना बहन ने लॉग इन किया था लंदन से, बोला मुझे सारी बात याद आ गई, तो मुझे बाद में आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से उलाना मिला था कि आपने मीना बहन को वेलकम नहीं किया वगैरह वगैरह, लेकिन सॉरी मीना बहन, मैं आपको नहीं जानता था, आर्ट एंड कल्चर विंग का वो प्रोग्राम था, आपने लॉग इन किया था और आपका वेलकम मेरे से रह गया था, तो आज दिल खोल के अंत के समय में बहुत सारा वेलकम कर लेता हूँ, आप आए हैं हमें बहुत खुशी है, आप ऐसे आते रहिए, हम मिलते रहेंगे, बहुत अच्छी, आप भी आपके अनुभव अगर सुनाना चाहे तो हमें बहुत बहुत बड़ौदा परिवार को खुशी होगी। तो बहुत अच्छा लगा, और मोनिका बहन आपने आंसुओं की बात कही कि आंसू मोती बन गए, कितनी खुशी की बात है, तो जगजीत सिंह की गजल के वो बोल मुझे याद आ गए, क्योंकि दुनिया क्या समझेगी इन आंसुओं को, तो इन आंसुओं को पानी कहना भूल नहीं नादानी है, तो ये तो नादानी वाली बात हो जाएगी, ये आंसू आंसू नहीं मोती है, तो ऐसे मोती बाबा संजो के रखता है। तो बहुत अच्छा आपका अनुभव हम सबको सुनने का आज मौका मिला, तो चलिए कुछ पल उस परम कलाकार की याद में बैठते हैं और फिर आज की ये सभा पूरी करेंगे, ठीक है मोनिका बहन? जी 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 जरूर निमेश भाई। ओके, दवा क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं, दिल भी तू है जान भी तू है, तुझ पे फिदा
दिल भी तू है जा भी तू है तुझ पे फिदा क्या करूं मेरे दिल में तू ही तू है दिल की दवा क्या करूं। ओके मोनिका बहन, ओम शांति। सभी को ओम शांति, खुश रहिए एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। And take care of yourself. And please, जो भी जो non-BK हैं, जो देख रहे हैं, जिनको मैंने काफी सारे लोगों को बोला था, please आप 7 days का course जरूर करें, आपको जरूर उससे बहुत लाभ होगा। ओम शांति, खुश रहिए और प्यार से रहिए। Love you all. Good night.